हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पिक निदान में। और आज आपके लिए लेके आया हूँ होंडा की सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया होंडा लिवो, जो BS6 मॉडल में आ गई है। और आज आपको मैं बताऊंगा इसमें जो जो बड़े बदलाव किएंगे और आपके लिए ये बेहतर बाइक है कि नहीं। पहले तो भाई लोग आपको बताऊँगा इसके जो इंजन में चेंज किया है, इसमें जो इंजन है CD वाला, CD 110 वाला इंजन है और FI मॉडल है कार्बोरेटर के बगैर। इसमें जो है सेंसर से जो जनरेट करता है और ये ESP टेक्नोलॉजी के साथ सेल्फ काम करता है। ये देखिए, जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया है, इसमें ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है जो गाड़ी की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और इंजन को सही रखने के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद लुक की बात करें तो आप देखें, इसमें जो है हेड लाइट में चेंज किया गया और इसके जो वाइज़र में इसकी लुक को बेहतर बनाने के लिए ये देखिए इसके डिज़ाइन को चेंज किया है। और यहाँ भी ये देखिए इसके डिज़ाइन को पहले से बेहतर लुक और गाड़ी को बढ़िया और बड़ी दिखाने के लिए गाड़ी को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इंडिकेटर की बात करते हैं, आप इंडिकेटर देखिए, इसमें जो फ्लैक्सीबिलिटी बहुत है, इंजन फ्लैक्सीबल इंडिकेटर आते हैं। और आप इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं, जो ग्राफिक्स को बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ बनाया गया है, जो गाड़ी को बढ़िया लुक देने में बहुत बढ़िया लगता है। और ये इसका जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं, इसमें जो है इस चीज़ को, इसके जो कवर को बहुत बढ़िया बना दिया गया। और इसमें जो है क्रोम का जो अलग दिया है। और पीछे से आप देखेंगे गाड़ी की जो लुक है, इसकी बैक लाइट भी चेंज कर दी गई है। और इसका जो गियर लीवर है उसको भी पहले से बेहतर बनाया गया है। ये देखिए इसका जो है डिजिटल मीटर, ये इंडिकेटर स्विच हॉर्न, और इसी में जो है पासिंग, ये देखिए ये सेल्फ स्विच, और इसी में एक किल स्विच भी है। और इसमें जो है डिस्क मॉडल है, आप देख सकते हैं इसको जो है, जो दो वायर आती हैं, एक जो है कॉम्बी ब्रेक की आती है और दूसरी जो है फ्रंट ब्रेक की। इसके जो सेल्फ, यहाँ से सेल्फ स्टार्ट है और इसकी रेस में दो वायर आती हैं। ये देखिए, जो इस गाड़ी को देखना चाहते हैं और इसको ख़रीदना चाहते हैं, आप होंडा के शोरूम डायलॉग रूम में, टिल्लो होंडा शोरूम में आप आकर देख सकते हैं और इसकी जो है फुल डिटेल जो है ले सकते हैं।